stumble guys, but we cannot touch the color that appears in this pen. तो चलिए शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अच्छे गेमिंग। हाउ आर यू? होप यू आर गुड एंड आई एम आल्सो फाइन। तो गाइस, आज हम लोग फिर से खेलने स्टंबल गाइस। नो गॉड प्लीज नो। और हम स्टंबल गाइस में एक चैलेंज करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को पता चल चुका है। गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो मेरी इतनी पुरानी आईडी थी, इसमें इतने सारे क्राउन्स थे, वो मेरी आईडी का पूरा डाटा निकल गया और मेरी सारी आईडी खत्म। और अभी मुझे नई आईडी लेनी पड़ रही है, मतलब नई आईडी नहीं, जिसमें देखें कितनी थोड़ी स्किन्स हैं। एपिक 3, 4, 5। मजा आया। तो गाइस, फजूल की बातें छोड़ते हैं और हम चैलेंज पे ध्यान देते हैं। तो चलिए, सो लेट्स गेट बिगिन। तो गाइस, शाउट आउट टू स्पिन द व्हील ऐप, जो हर तरह के स्पिन ले आती है। तो चलिए फिर, अभी स्पिन करते जो भी कलर है वो फिर हम जॉब छोड़ दूं। तो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना स्पिन। स्पिन यहाँ पर हो रहा है और मेरा कलर ब्लैक पिंक से तो ज़्यादा होता है, मुझे लगा पिंक का जगह, लेकिन ब्लैक आया है। तो अब मैं स्टंबल गया इसके मैच में, ब्लैक कलर को टच नहीं करना। तो चलिए फिर मैच के अंदर चलते हैं। A few moments later. तो गाइस, यहाँ पर हमारा पहला मैच आके आ चुका है, स्पिन गो राउंड। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ब्लैक कलर नहीं है इस पूरे मैप में, और मतलब यह अलग बात है कि मेरा भी कलर ब्लैक है मेरी स्किन का। पहली फुर्सत में निकल, लेकिन उसका क्या मतलब है, लेकिन ये भी है कि हम बाकियों की जिन जिन की कलर स्किन ब्लैक है, हम उनको भी नहीं टच करेंगे, मतलब कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अगर हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरा ट्रिक करते हुए मैं चले गया और पहला मैच ब्लैक कलर को टच किए बिना जीत गए हमें। तो भाई, यहाँ पर हमारा दूसरा मैच आ चुका है, पाइवेट पुश। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसमें भी कोई ब्लैक कलर ज़्यादातर तो नहीं है। मैं कोई कट वगैरह करके नहीं डाल रहा भाई, ये लक के मुताबिक है कि ब्लैक कलर वाला नहीं आ रहा। यहाँ पर ना एक ब्लैक निंजा है, ठीक है, और एक और भी है एस्ट्रोनॉट, उसकी टोपी है, बाकी एक ये एक और स्किन वाला है। यार ये ब्लैक नहीं, तकरीबन डार्क ब्लू टाइप है, या टील ब्लू कह लो उसको। चलो, लेकिन ज़्यादा तो टच हुआ नहीं, तो फिलहाल मैं सही चल रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे ब्लैक लग रहा था, इसलिए मैंने कर लिया बार, वो कुछ भी नहीं। और इससे जब मानी कि इसको ना टच हो जाए, तो फिर दूसरा राउंड हमने अपना निकाल लिया है। तो भाई, मैं पा चुके ब्लॉक डैश, और अभी मुझे पता चला इसकी ज़मीन तकरीबन ब्लैक ही है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये ब्लैक है कि नहीं। ये मुझे अब ब्लैक लग रही है, स्काई ब्लू लग रही है। बाय द वे यार, अब क्या कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि क्या निकलते हैं रिजल्ट। वरल मुझे तो ये ब्लैक लग रही है। आप भी जल्दी से कमेंट में आके बताओ ये ब्लैक है कि डार्क ब्लू है। कभी कभार ब्लैक लगती है, कभी कभार डार्क ब्लू लगती है, और बस या फिर ज़मीन ब्लैक और मैं हार चुका हूँ, या फिर अगर ज़मीन ब्लैक नहीं है तो बस मुझे कांटों से बचना है। कांटों पे टच हुआ तो मैं हार गया। और ये जो एक स्किन का बंदा है जिसको मैंने डार्क ब्लू कहा था, ये भी तकरीबन ब्लैक ही है, तो हम इससे भी बचेंगे। तो भाई देखते हैं यार, क्या हम क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं। मतलब वो वाला तो एलिमिनेट हो गया, जिससे मुझे जिसके स्किन से डर था। और ये जो डिफॉल्ट स्किन वाला, इसके जूते ब्लैक हैं, तो अगर इससे टच हुआ तो अभी, वरना जहाँ तक मुझे लगता है मैं अपना राउंड हार चुका हूँ। तकरीबन अपना राउंड हार चुका हूँ। और यहाँ पर भाई खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। ये बंदा जीत गया और मैं कांटों पर भी टच हो गया, और कांटे ब्लैक थे। तो भाई, मैंने अपनी ब्लैक कलर का बहुत अच्छा मैच निकाला, लेकिन एंड पे जाके हक दिया। तो भाई, अभी दूसरे कलर पे चलते हैं। तो भाई, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने दूसरे कलर के लिए। तो चलें स्पिन करते हैं। स्पिन हो गया है और इस बार हमारा
कलर येलो बहुत ज्यादा यूज होते हैं समर गर्ल्स में। मेरा ख्याल हम जल्दी आ जाएंगे बाय द वे जो भी हो। चलो फिर हम लोग येलो से खेलते हैं। Later. तो भाई यहाँ पर स्पिन गो राउंड आ चुका है और स्पिन गो राउंड देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस रोप भी नहीं चढ़ सकता कि मैं इस पे जा सकूं और भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इधर से इधर आना पड़ेगा। भाई ये क्या हुआ भाई? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है भाई। ये क्या हुआ? और मैं येलो कलर को पे टच हो गया भाई। ये बॉल ने मुझे, भाई बॉल ने मुझे नीचे फेंक दिया और भाई येलो कलर को मैं पहले राउंड में हक दिया भाई, हक दिया येलो से। तो भाई हम बहुत ही ज्यादा बुरी तरह हार गए हैं, क्या किया जाए भाई साहब। भाई बहुत बुरा हुआ मेरे साथ यार, मतलब पहले ही मैच में एक तो मैप भी इतना गंदा दिया पूरा येलो, बस भाई उस बॉल ने पता नहीं क्या ग्लिच करके नीचे गुजार दिया और फिर मैं स्पॉन पे होके सीधा येलो पे चले गया। भाई येलो का तो हार चुके हैं। बाय द वे जो भी अभी तक इधर तक वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को भी लाइक करना, मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियो बचाओ, सॉरी मेरी इज्जत बचाओ, जी हाँ बरा इस बात को छोड़ते हैं और अपने स्पिन पे आते हैं और देखते हैं अब हमें कौन सा मिला है। भाई वॉयलेट हमें मिल चुका है, ठीक है, तो यानी अब हमने वॉयलेट पर्पल तकरीबन सेम ही होते हैं, तो समझ हमने पर्पल को भी लगाना है वॉयलेट को भी लगाना और अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। ये दोनों बहुत कम होते हैं तो चलते हैं अपनी मैच की तरफ। 2000 years later. भाई यहाँ पर आ चुका है मेरा हम्बल स्टंबल और इसमें तो मुझे से कोई भी मतलब ज़्यादा खास लग नहीं रहा, लेकिन मैंने कोर्टलैंड में है कि ये जो डब्बे हैं जो पिंक कलर के हैं हम इनको भी नहीं टच करेंगे, अगर इनको टच किया तो मैच हार जाएंगे। और मैं बड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते लगाते आ गए हूँ तकरीबन इधर तक, तो मैं आ ही गया हूँ और इधर तो भाई अब कोई भी पर्पल नहीं है। रुक जाओ अबे, अरे भाई ये मैंने क्या किया? तो भाई यहाँ पर जैसे जैसे करके हम लोग भाई पहुँच गए। भाई मैं उधर कुछ ट्रिक करने के चक्कर में क्या क्या हो गया भाई, सीधा सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन सीधा 13 पे क्वालिफाई किया हूँ। करेला भाई मैं तो पागल ही हो गया था, बट अभी तक हम राउंड पे ही हैं। तो भाई यहाँ पर फ्लोर फ्लिप आ चुका है हमारा सेकंड राउंड और ये थी मेरी सबसे बड़ी गलती क्योंकि सीढ़ियाँ कम, ये पूरा फ्लोर ही तकरीबन पर्पल और वॉयलेट का है। गजब बेइज्जती है भाई। अब मुझे बताऊँ मैं क्या करूँ, जब पतली से वाइट लाइन इस इधर से गुजरूँ, ये OMG नाइस, ये लाइट पर्पल के यार लाइट पर मान लो। और भाई मैं तकरीबन एक यार मान लो भाई आ गया, मैं टच हो गया तो ना पता नहीं यार पर्पल इतना कम होता है फिर भी इन्होंने वही अरे भाई क्या हमारा ये लो, अब तो वैसे भी आ चुका हूँ भाई, ये लो ये टच कर दिया मैंने, टच कर करूंगा मैं। वाह क्या सीन है, सारा राउंड हार गया। तो बस यार अब अगले कलर की तरफ भरते हैं, ये वाला राउंड तो मैं ऑब्वियसली हार चुका हूँ। तो भाई देखा यार आपने मैं कितना लकी हूँ, मतलब यार पर्पल वाला कम भी कम होता लेकिन वही मैं अब दिया जिसमें आना था। चलो अपना अगला कलर हम देखते हैं कौन सा आता है, और ये हमारा लास्ट कलर होने वाला है, यहाँ पे ऑरेंज आया है, नाइस कलर यार, और मुझे वैसे ही पसंद है और गेम में ज़्यादा ही है तो मुश्किल होगा। तो फिर आप गेम की तरफ भरते हैं। तो भाई यहाँ पर आ चुका है हमारा जंगल रोल, ठीक है, और भाई जंगल रोल में ऑरेंज तो नहीं है, सब कुछ ब्राउन ही है तकरीबन मतलब
यार सब कुछ ब्राउन है क्या तकरीबन तकरीबन बोले यार तुम्हें क्यों आदत पड़ गई बस ये डिफॉल्ट स्किन वजह से मैं थोड़ा सा बच के जाऊं OMG बच गया बच गया बच गया बाय द वे गाइस पता क्या हुआ मेरी पहली गेम है जो मैंने ये तो ब्राउन है इस पे नशा करने लग जाना पहली गेम भाई मैं आराम से खेल रहा था ऑरेंज कलर टच नहीं किया लेकिन भाई मैं वैसी गेम हार गया बेचारा गिर गिर के मैंने कहा भाई दोबारा से खेलूँगा जो कोई मसला नहीं है और भाई दोबारा से खेलने के बाद भी मैं ऑरेंज कलर को टच किए बिना जीत चुका हूँ ये वाली ट्रिक भी मारी मैंने ये अभी मैंने नई नई ट्रिक देखी थी और भाई मुझे आ भी गई क्या बात है आप भी सीखो मुझसे और अगर किसी को सिखानी हो तो ये वाली दिखाओ मैं सबसे अच्छी मैं दुनिया की सबसे अच्छी ट्रिक्स करता हूँ।